4.4 न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। डोबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार से संबंधित होते हैं। इसी क्रम में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स 1837 से 1898 ने अष्टक का नियम दिया, जिसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक आठवें तत्व की विशेषताएं या गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मिलते हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के सुरों से की, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। इसे उन्होंने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। डोबेराइनर त्रिक नियम के असफल होने के पश्चात तत्वों को वर्गीकृत करने का अगला प्रयास ब्रिटिश रसायनज्ञ न्यूलैंड्स द्वारा किया गया। उस समय तक 56 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। उन्होंने सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में विन्यस्त किया तथा पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। इसकी तुलना उन्होंने संगीत के सात सुरों से की, इसलिए यह वर्गीकरण न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहलाता है। हालांकि इस वर्गीकरण में कई विसंगतियां हैं। इसकी प्रमुख विसंगति यह है कि न्यूलैंड्स 56 तत्वों में से केवल कैल्शियम तक तत्वों को व्यवस्थित कर सके। इसके बाद तत्वों के द्वारा समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं किए गए। बाद में कई ऐसे तत्वों की भी खोज हुई जिन्हें न्यूलैंड्स वर्गीकरण में स्थान नहीं मिला था, इसलिए इस वर्गीकरण को सफलता नहीं मिली। क्या आप जानते हैं भारतीय संगीत प्रणाली में सात सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। पाश्चात्य संगीत में ये सुर हैं डो रे मी फा सो ला टी। प्रत्येक आठवां सुर पहले सुर जैसा होता है तथा वह अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। इन सुरों की सहायता से संगीत की रचना की जाती है। न्यूलैंड्स के अष्टक में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणधर्म समान थे। फ्लोरीन हाइड्रोजन के बाद आठवां तत्व है। इसी तरह लिथियम और सोडियम में समानता है। न्यूलैंड्स की सारणी में कई विसंगतियां पाई गईं, जैसे यह केवल 56 तत्वों तक ही सीमित थी व इसमें नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलते थे। कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं हैं उन्हें एक ही समूह में स्थान दिया गया, जैसे आयरन के रासायनिक गुणधर्म ऑक्सीजन तथा सल्फर से नहीं मिलते। अतः इस नियम के अनुसार भी तत्वों का सफल वर्गीकरण नहीं किया जा सका। 4.5 लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर 1830 से 1895 ने तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। उन्होंने देखा कि वक्र में सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम तत्व वक्र के उच्चतम शिखर पर तथा फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन चढ़ाव के बीच स्थित हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम आदि धातुएं वक्र में घटाव वाले भागों पर तथा
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम आदि धातुएं वक्र के निम्नतम बिंदुओं पर स्थित हैं। इसके आधार पर उन्होंने देखा कि समान गुणों वाले तत्व वक्र में समान स्थानों पर स्थित हैं, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जब लोथर मेयर के द्वारा परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया, उसी दौरान मेंडेलीफ द्वारा परमाणु भार और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण सरल रूप में प्रस्तुत किया गया। लोथर मेयर ने तत्वों के गुणधर्मों के लिए आवर्ती शब्द का उपयोग कर मेंडेलीफ को एक दिशा दी, जिससे मेंडेलीफ को अपनी आवर्त सारणी बनाने में सहायता मिली।